हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9। आज है संडे और ये देखिए ये कौन बैठा है मेरे पास, मेरा छोटा सा बेबी। मेरा छोटा सा बेबी कैसे बैठा? गुड मॉर्निंग बोल दो। तो चलिए, बाहर हॉर्न बज रहा है क्योंकि मुझे उनको टिफिन पकड़ाना है। इसके पापा को टिफिन पकड़ा दो। देखो मेरी टिफिन, तो मैं उसके पास कंटिन्यू करूँगा आपके साथ। तो जी, मैं टिफिन पकड़ा के आ गई हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे, मेरी शायद कैसी बातें कर लो भाई। नीना नीना तो पाली पाली कर लो। मम्मा बुद्ध हो रही थी, इधर 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 मम्मी इधर। ए तू मत देख, देखो देख के ये मेरे से बात नहीं कर रही। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। एमी ओहो, ये देखिए परी को प्यार करने पहुँच गई है। एमी गलत बात। मम्मा प्यार कर रही है ना, ये यहीं सोती है जी माशाल्लाह। आपको इधर ही जब मर्जी आती है, जिस मर्जी के ऊपर से निकल जाती है प्यार प्यार। ये इसकी गुड मॉर्निंग वाइब्स होती है। ये हर सुबह सबको ऐसी उठाती है। एमी परी को उठा दे। उठा रहा है नोनू को, तो उठा दे। अच्छा, ये नोनू को तो भूख के उठाती है और परी को ऐसे प्यार करके उठाती है। तो जी हम पी लेते हैं चाय। चाय के साथ ले रही हूँ ये बिस्कुट, जो कि नहीं लेने चाहिए लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे मॉर्निंग में समझ नहीं आता। परांठे वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, तो अभी यही ले रहे हैं। तो चलिए अब मैं ये काम कर लेती हूँ। और राखी के लिए जाना है, नोनू के लिए कपड़े लेने हैं, राखी भी लेनी है, तो वो भी मैं जब जाऊंगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैं थोड़ी सी एक बार लाइट चालू कर लेती हूँ। सो अब मैं हो चुकी हूँ तैयार और हम जा रहे हैं नानी के घर। वैसे मेरे को तो नहीं जाना, नोनू को जाना है क्योंकि आज है नानू की बरसी है ना मम्मी? हाँ, तो आज नानू की बरसी है, तो ना उसमें नोनू को खाना होता है वहाँ जाके। हाँ, तो नोनू को जाना था, तो फिर नोनू जैसे तो मैं सोचा मैं अभी घूम ही आती हूँ, बहुत दिन हो गए। और एमी को देखो, ये री इसको आज हम मम्मा के पास छोड़ के जा रहे हैं पूरा दिन के लिए। सो ये भी शायद शांत रहे मम्मा के साथ तो सही है, वरना हल्ला मचाएगी तो मम्मी भी परेशान हो जाएगी और ये भी परेशान हो जाएगी। वैसे रुक जाती है जब मैं ट्यूशन होती हूँ, मैं ट्यूशन होती हूँ, ट्यूशन होता है या मैं स्कूल होती हूँ, स्कूल होते हैं, तो रुक जाती। बच गए और आते सीधा हम बाहर आ गए। आते सीधा मेट्रो से ब्रेक गाड़ी में। हाँ मामा। मासी हेलो। खुशबू ले रहा है ये बैठा बैठा खुशबू ले रहा है। अभी ये बताइए हम जा कर क्या बनाया? खुशबू से बताओ क्या बनाया। हाँ। समझ में नहीं आ रही। तो अभी हम जा रहे हैं ये सब बांटने। हाँ। पे सब सेटअप कर रहे हैं ये कुलचे छोलो का। हाँ हाँ, ये देखो ये सुमन मासी ने बनाया है। हाँ। कुलचे और छोले। लाइन लगा लो, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ, ले लो ले लो ले। रैप अप हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो अभी हुआ रिसेंटली हुआ, पहले नहीं था, पहले यही था। हाँ अरे सर, लेकिन अभी तो खा लिया हमने, बताया कि यहाँ पे अब नहीं होता, एक साल से बंद है। सो हम रैप अप करके आगे चलते हैं। और ये देखो ये हमारे पंडित जी आ रहे हैं। ये हमारे पंडित जी को खाना जरूरी था, चलो जाओ। ये देखो यहाँ पे ये हनुमान मंदिर है, दिल्ली का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और यहाँ पर पहले हम हर साल यहीं पर है ना, डैडी की पुण्य तिथि पर प्रसाद बांटते थे, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं। इन्होंने बांटे नहीं दिया। हाँ, पहले आ गए प्रगति मैदान, रिन्यू हो रहा है प्रगति मैदान, रिन्यू हो रहा है यहाँ पे। मैंने तो कभी देखा नहीं, पूरा रिन्यू कर रहा है। चल चल चल, कैसा है मासी अंदर से? चल 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 चल, बहुत बड़ा है भाई। इतनी सारी लेबर क्या कर रही है? लेबर है, प्रगति मैदान काम कर रही है। अच्छा, बस आ रही है ना, बस जा रही है भाई। सब एक में घुस जाएंगे वो खिड़की में बैठ गया। माँ से देखो कितनी है, इन्हीं के लिए तो है लेबर आ रही है। काम अंदर इतना चल रहा है। ये देखो प्रगति मैदान के लिए लेबर देखो कितनी है, बहुत लेबर है प्रगति मैदान।
बहुत बड़ा है ये एग्जीबिशन लगती है बेटा, पूरा का पूरा टूट के नया बना है, पहले कुछ और था, पूरा प्रगति मैदान में इसकी एग्जीबिशन लगती है। ये भी प्रगति मैदान का हिस्सा है, ये पार्ट है पूरा का पूरा, ये भी है प्रगति मैदान, कितना बड़ा है, तो तीन बस लगेगी बाबू। हमारे कंट्री में कोई भी एग्जीबिशन लगती है ना, ट्रेड फेयर कुछ भी है, वो प्रगति मैदान लगता है, यहाँ लगता है, कभी आएंगे। तेरे नाम की शूटिंग यही हुई थी, तेरे पूरा ही चेंज कर दे, तोड़ फोड़ ही कर दे। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है ना पीछे की तरफ, एक बार ऐसे में फुटबॉल का स्टेडियम है तो बोलो, स्विमिंग का स्टेडियम है तो बोलो, रोनाल्डो फुटबॉल। सो फ्रेंड्स वहाँ पे तो पुलिस ने मना कर दिया था, फिर उसके बाद हम इतना घूमे घूम घूम के फिर हम चले गए कालका जी। तो ये हम वहाँ पे कालका जी में कर रहे थे, और हमने ना यहाँ पे बाहर भी नहीं लगाया क्योंकि फिर बहुत पहले भी रोक दिया था, अब भी रोक देते हमने कि अगर कहीं रोकना है, इसलिए हमने फिर गाड़ी में ही ऐसे लगाया। सो अब हमारा हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, अच्छे से हो गया। हाँ छोले खत्म हो गए, कुछ बच गए, बहुत ज़्यादा बच गए। हाँ पता चल गया, आगे हिसाब रखेंगे, अगर 500 है तो 5 किलो छोले, क्योंकि हम बनाते थोड़े रक्षा नीचे है ना, अब आएंगे आगे। हाँ चिड़िया चिड़ियाघर चल रहे हैं, ये चिड़ियाघर चल रहे हैं, इन्होंने कहा ठीक है आगे से ऐसे करेंगे, चिड़ियाघर जाने के नहीं मजा, दादी मम्मा करके अकेले मासी मौसी आधे घंटे में आ जाएंगे, संडे घंटे नहीं लगेंगे, 2-3 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे घर में ना, टिकट लेते लेते आधा घंटा लग जाना है। अरे अरे आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, सब गाय लगता है, तू पीछे अड्रेस करो, मेरे पास मेरे पास की कचौड़ी ट्राई करनी है। तो हम अंदर मंदिर में आ गए हैं, मतलब मेन मंदिर है भैरव का है, भैरव जी का है। सो मत्था भी टेक लेंगे और कचौड़ी भी ले लेंगे जो मासी को खरीदनी है। कचौड़ी खानी है कि फेमस? हाँ हाँ बट रही हैं, हेलो बट्टी भी खानी है, खरीद के खानी है, आपकी मर्जी। मासी लाइन बहुत लंबी है, छोड़ लो, हाँ खरीद लो, ये पकने वाली है। हाँ चलो भाई, बहुत भीड़ है, थोड़ी और बेसन का लड्डू बाद में। अच्छा और हम खरीद रहे हैं। हाँ चलो, ये भंडारा नहीं है, ये खरीदे हमने आखिरी फेवरेट। हाँ हाँ फेवरेट नहीं, ये भी भंडारा नहीं है, यहाँ पे भी पैसे दे के लो, नहीं लोगों को फिर। हाँ पता नहीं, हमारा नया आज हम आपको दिखाएंगे हमारा इंडिया गेट जो रेनोवेट होने के बाद कैसा लग रहा है, जिसकी पूरी शक्ल बदल दी इन्होंने, पहले इंडिया गेट ऐसा नहीं था, ऐसे यहाँ बना दिए, फोन बना दिए, ऐसा नहीं था इंडिया गेट, ये है रात को जैसे हम खाना वाना खाने आते थे, ये इंडिया गेट तो आप पता है यहाँ पे खाना लेके आते थे, ये इंडिया गेट और खाना खाते थे, हो रहा है ये डिफरेंट हो गया कि यहाँ पर सिटिंग एरिया बना दिया। मासी रुक सकते हैं? हाँ जी हाँ रुक सकते हैं, सब जा रहे हैं, मासी रुकते हैं ना, अंदर जा सकते हैं? नहीं जाने दे रहे बच्चे, बंद पड़ा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने पूरा एक साल लगा के सिर्फ यही किया, सही है। हम लोग पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय, अभी चाय एंजॉय करेंगे। हमने वीडियो बनाना भूल गए थे, तो हम ड्रामे कर रहे हैं, तो भी सबकी चाय का तो अभी तो खाएंगे हम। चलो हम घर के लिए निकल चुके हैं, नूंदे को पता नहीं कौन सी जल्दी हो रही है, चले ही जा रहे हैं, चल रहे हैं। बाय द वे वी आर बोर्डिंग इंडियाज लार्जेस्ट एक्सीलेटर, ये सब मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीलेटर है, सी बहुत बड़ा है। वो निकल गए, रुक भी नहीं रहे मेरे लिए, वो जल्दी पहुँच कर, मेट्रो तो अभी भी नहीं आई है, वेट तो करना पड़ेगा। हम अभी वैसे ब्लू लाइन टू मजेंटा लाइन चेंज कर रहे थे, अभी भी देखो मम्मा देख लो ये मेरे साथ नहीं रहते, चले जा रहे रुक ही नहीं रहे, हमें भागूंगी थोड़ी, देखो रुक ही नहीं रहे, अभी भी नहीं रुक रहे।
देखो ना मज़े में हूँ, कुछ भी बता रही हूँ, मुझे पता, जबकि आज से ज़्यादा दिल्ली वासियों को पता होगा ये कि ये मेट्रो भी आई है और यही हमें वापस भी ले चलेगी, मतलब ये पूरी मेट्रो भी खाली होगी एंड हम लोग सब इसमें चढ़ेंगे एंड मुझे पता है, सबको पता है। एंड बहन को छोड़ के भाग रहे थे क्या, जल्दी आई हुई थी नहीं बोलूँ ये पता, 15 अगस्त की शॉपिंग भी करके आ गए, व्लॉगिंग नहीं करी इन्होंने, मैंने इनको बोला था करना बट इन्होंने नहीं करी। रुक जाओ अभी सबको उतरने दो, इतनी भी जल्दी नहीं है। टाटा क्योंकि तू है टाटा।